नमस्कार, टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी आज की ताज़ा खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। दोपहर के 2 बज चुके हैं और आज सुबह से ही भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। पहले बात करेंगे हम आज के कुछ इवेंट्स की जो खेले जा चुके हैं और जो खेले जाने हैं। जैवलिन थ्रो में आज नीरज चोपड़ा ने सबसे ज़्यादा 86.65 मीटर भाला फेंक कर सबसे टॉप पर रहे। नीरज चोपड़ा फाइनल राउंड में 7 अगस्त को शाम 4:30 बजे जैवलिन थ्रो में उतरेंगे। रेसलिंग से एक और खास बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। भारत के रवि दाहिया फाइनल में पहुंच गए हैं। रेसलिंग के एक अन्य मुकाबले में दीपक पूनिया 87 किलोग्राम भार वर्ग कुश्ती के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने नाइजीरिया के प्लेयर को क्वार्टर फाइनल में हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में चाइना के लिन जुआन को हराया। महिला कुश्ती में अंशु मलिक 57 किलोग्राम भार वर्ग में बेलारूस से हार गईं। एक अन्य महिला वर्ग के बॉक्सिंग के मुकाबले में लवलीना बोहवेन को हार का सामना करना पड़ा और उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। भारत के लिए ये एक तीसरा मेडल था। भारत के रवि दहिया रेसलिंग में फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। उनका मुकाबला कुछ ही देर में शुरू होगा। आज सुबह ही दीपक पूनिया सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं नाइजीरिया के प्लेयर को हरा कर। सेमीफाइनल में यूनाइटेड स्टेट के खिलाड़ी ने दीपक पूनिया को सीधे राउंड में 10-0 से हरा। रेसलिंग के सेमीफाइनल में दीपक पूनिया को हार का सामना करना पड़ा है अमेरिका के डेविड के हाथों। अभी भी उनसे कांस्य पदक की उम्मीद है। इसके अलावा बात करें महिला हॉकी टीम की, तो आज उनका मुकाबला सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से शुरू हो चुका है। ताज़ा समाचार मिलने तक इंडिया टीम ने 1 गोल कर 1-0 की बढ़त बना ली है और पेनल्टी कॉर्नर मिला, उसमें गुरमीत सिंह ने पहला गोल किया। टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।